कन्नौज जिले में लगातार वायरल हुआ डेंगू का कहर, लगातार काफ़ी आक्रामक होता जा रहा है डेंगू। अब वायरल अगर डेंगू की बात करें तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी सूचना है कि कल एलाइया टेस्ट में एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वहीं 19 मामले जो हैं रैपिड टेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते उसमें 19 मामले पॉजिटिव आए थे। अगर बात करें डेंगू और वायरल की, तो वायरल का प्रकोप कन्नौज में काफ़ी अच्छा खासा देखा जा सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं कन्नौज जिला अस्पताल के पंजीकरण केंद्र में। आप देख सकते हैं कि महिलाओं व पुरुष की अलग अलग काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें जहां पे ब्लड टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्टिंग की अगर बात करें तो वहां आपको अंदर घुसने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है, इतनी ज़्यादा भीड़ जुट रही है ब्लड टेस्टिंग के लिए बाकी मरीजों को दिखाने। अगर बात यहाँ पे करें जो ओपीडी की, ओपीडी टाइमिंग 8 बजे हम आपको दिखाना चाहेंगे, लगभग दस बज चुका है। लेकिन अगर ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में अभी एक नाक कान गला की जो डॉक्टर हैं वो अभी 10 बजे बिल्कुल आके बैठी हैं। ओपीडी में ये बाल रोग है वो खाली पड़ा हुआ है, आर्थोपेडिक विभाग है खाली पड़ा हुआ है, ये कुछ मरीज हमारे साथ में हैं काफ़ी। माता जी कहाँ से आई हैं आप? परसोला से। कितनी देर हो गई है? 8 घंटे। किसको दिखाना है? दो नंबर। डॉक्टर साहब हैं कि नहीं? नहीं है। देख सकते हैं आप, ये हम नहीं करें, मरीज़ खुद करें कि ओपीडी टाइमिंग 8 बजे है, 1 घंटा लगभग इनको बैठे हुए हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब अभी नहीं है। 2 नंबर पे इन्हों आर्थोपेडिक को इनको दिखाना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं चेयर खाली है। अगर बात उच्च अधिकारियों से की जाए, यहाँ के CMS से की जाए, तो अभी CMS का कहना यही होगा कि डॉक्टर राउंड पे हैं या वार्ड में हैं या कोई अन्य काम बताए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मरीजों की बात करें, एक महिला और हमारे साथ में बैठी हुई है। माता जी कहाँ से आई हैं? गुना से। क्या करने आई हैं? मोड़ का चेकअप कर रहा हूँ। कितनी देर से बैठी हुई? आधा घंटा हो गया। डॉक्टर हैं या नहीं है? नहीं है। देख सकते हैं आप जिस मरीज़ से, आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज बैठ के केवल डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई बैठा भी है या तो वार्ड बॉय होगा या तो जो उनका डॉक्टर साहब का जो जूनियर होता है वो बैठा होगा, लेकिन डॉक्टर के सारे कमरे सारी चेयर खाली पड़ी हुई। वहीं अगर ओपीडी टाइमिंग की बात की जाए तो ओपीडी टाइमिंग 8 बजे की है, लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी देखने को नहीं मिल रही है। अगर उच्च अधिकारी आला अधिकारियों से बात की जाए तो कहीं डॉक्टर का कहीं और होने का बहाना बना के डॉक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं। अंकित शुक्ला, भारत समाचार, कन्नौज।